आज तकरीबन आधी रात को या कहिए सुबह सुबह उठ के मैं तैयार होकर रोड ट्रिप पर निकल रहा हूँ, मुल्तान पहुँचना है 12:30 तक, तो 6 बजे तक इंशाल्लाह रोड पर जाऊँगा तो 12 बजे मुल्तान पहुँचूँगा। लेकिन सुबह सुबह उठ के रोड ट्रिप की सबसे बड़ी जो मुश्किल होती है वो ये होती है कि यू कांट रियली गेट योर बॉडी टू टेक अ डंप, यू जस्ट कांट टेक अ शिट सो अर्ली इन द मॉर्निंग। अगर आप मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि सुबह सुबह उठ के आप पॉटी करना चाहें तो पॉटी नहीं आती आपको। अब ये शिट और पॉटी, वैसे तो पॉटी भी अंग्रेजी लफ्ज़ है, अगर मैं इसका बिल्कुल ही उर्दू लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ तो न जाने के दिल पर क्या गुजरेगी। इस अंग्रेजी उर्दू के फर्क पर जरा सी बात करते हैं आज। सुबह यानी कि इससे पहले जो मेरा आपने सीन देखा, मैं भी उसमें नहा के निकला था तो मेरे कंधे मंदे दिख रहे हैं और मुझे यकीन है कि उसमें मुझे काफ़ी बातें सुननी पड़ेंगी कि मुरियानी पिला रहा हूँ। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि हमारे टीवी फिल्म पे इससे कहीं ज़्यादा मर्द मुरियानी हिलाते हैं, यानी बेकमीज़ अक्सर आपको मर्द दिख सकते हैं, उसके खिलाफ कोई कुछ नहीं बोलता। और अगर वही मर्द अंग्रेज़ हो तो उसके खिलाफ तो बिल्कुल ही कुछ नहीं बोलते आप। कहने का मतलब यह है कि अगर अंग्रेजी में शिट कहें तो सही है, उर्दू में पॉटी कहें, वैसे उर्दू में जो कहते हैं वो कहें तो बुरा है, अंग्रेजी में गाली दें तो सही है, उर्दू में करें तो बुरा है, अंग्रेज औरत करे तो हम सब दिल खुश करके उसको देखें, देसी औरत करे तो उसको गालियां निकालें। सनी लियोनी अगर हिंदुस्तान में रहती और वो सारे काम करती जो वो करती रही है तो हिंदुस्तानी उसे कभी माफ ना करते, उसको कभी मेन स्ट्रीम सिनेमा में वो ना आने देते, उस पर रंडी तवाइफ का लेबल लगा के उसको हमेशा के लिए ख़त्म कर देते। लेकिन क्योंकि वो अंग्रेजी बोलती थी और अमेरिका में वो सारे काम करती थी तो उसको मेन स्ट्रीम में आने की इजाज़त मिल गई। एंजेलिना जोली को हम नंगा देख के बड़ा खुश होते हैं, पेरिस हिल्टन को अलफ नंगा शराब की बोतल हाथ में लिए देख के हमारी सबकी ठरक पूरी होती है। लेकिन अगर माहिरा खान ने एक सरोंग या जो कुछ भी उसने पहना हुआ है वो पहन के अगर सिगरेट पी ली तो पूरी कौम की चची जान की पुप्पी की मामी की नानी जो है उनकी तबीयत बिगड़ रही है, उसको गालियां बकी जा रही हैं। क्यों क्यों है इतनी हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन और क्यों है हमारे अंदर ये बायस? या तो हमें अपने किरदार को सही कर लेना चाहिए और ना अंग्रेज औरत को देखें ना देसी को देखें, तब तो ठीक है भाई, और वो भी ना देखें ना उस पे ज़बरदस्ती जोर चलाने का जो काम है, बस अब पाकिस्तानी को ख़त्म कर देना चाहिए ये ज़ोर ज़बरदस्ती, ये साइबर बुलिंग, इस पे अब हमें डिस्कशन की ज़रूरत है।